वाद रखती थी, तो एक बात कहती थी कि चौधरी जितेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि नाइंसाफी आदमपुर के लिए मैंने पानी की डिमांड की है, मैंने सड़कों की डिमांड की है, मेरे सीएचसी या पीएचसी नहीं है उसके लिए मैंने मांग की है। तो एक इरादे रखती थी कि 89 विधायकों को लैपटॉप दे दिए गए, लेकिन मुझे लैपटॉप नहीं दिया। लेकिन उस समय सरकार ने एक नियम बनाया था कि जो विधायक 2 दिन का प्रशिक्षण लेगा लैपटॉप उसको मिलेगा, लेकिन प्रशिक्षण और हल्के से आवाज उठाने के लिए तो इनके पास समय नहीं मिलता। इससे बढ़कर के कुलदीप बिश्नोई जी का भी अगर आप निकाल देखें, 2014 में 5 करोड़ रुपए दिए, वो सारे के सारे लैप्स हुए। क्यों हुए? क्योंकि अगर आदमपुर में मैं काम कराऊंगा तो ये जनता मेरे साथ लगेगी। नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि किसी का विकास क्या? अब एक अगर उदाहरण करो, अपना हफ्ते 10 दिन पहले अखबार में एक इनका नोट बना हुआ कि गुड़साल का मैंने ओवर ब्रिज पास करवा दिया है, 12 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनेगा। जो हरियाणा जब से बना है और हरियाणा में जब से चुनाव हुए हैं, वो परिवार वहां से लगातार विधायक है, लेकिन उसको ये भी नहीं पता कि गुड़साल के अंदर कोई रेलवे लाइन भी जा रही है। तो पूरा गांव के ऊपर से बनवाएगा कि गांव के इस साइड से लोग दूसरी तरफ जा रहे हुए हैं, वो गांव के इस तरफ से चलेगा और गांव को पूरा ऊपर के ऊपर पार करके दूसरी छोर में उतरेगा। ऐसे तो विधायक हैं जिनको धरातल का पता नहीं। इसके अलावा साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और वो कहता है कि मैं 36 साल का प्रवास इस आरंभ विधानसभा का करूंगा, लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आदमपुर विधानसभा 26 साल से बनवास में नहीं है। 2014 से 2019 तक का मेरे कार्यकाल में हो 1000 करोड़ से भी ज्यादा के काम आदमपुर विधानसभा में मैंने कराए हैं। लेकिन आज वो चाहे वो ईडी का चक्कर है, चाहे सीबीआई का चक्कर है और चाहे आयकर का, आप लोगों ने अखबारों के माध्यम से पढ़ा होगा कि 200 करोड़ की विदेशी संपत्तियों को आयकर में पकड़ी है, 30 करोड़ की कर चोरी घरेलू पकड़ी है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात साथियों, बता देना चाहता हूँ कि ये चुनाव के समय या पिकनिक मनाने आते हैं और चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं नहीं कहता, ये इनके कागज बोलते हैं कि उनके एक परिवार ने कैरेबियन द्वीप के अंदर भारतीय नागरिकता लेने के लिए भी कागज तैयार कर रखे हैं। तो साथियों, आदमपुर का नहीं हो सकता, ये तो सिर्फ चुनाव में आप लोगों को गड़गड़ाने और अपना पुण्य सीधा करने, ताकि एक विधायक के नाते सरकार की जो फैसिलिटीज है वो ले और विदेशों में ऐश करूं।